नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। अगर आप न्यू यूजर है तो इस वीडियो को लाइक करो और पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होने वाले आप सबसे मिस ना होने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताना कि अगला वीडियो किस पे लगा। तो फिर चलो आज शुरू करते हैं। आज से हमने एक मिशन लिया है, उसका नाम है मिशन 365 डेज। आप कभी भी कोई भी चीज वस्तु खरीदने जाओ तब इस पॉकेट का बुक का जरूर उपयोग कीजिएगा। इस पॉकेट में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले कि जो भी कौन सी कंपनी स्वदेशी और कौन सी कंपनी विदेशी। जो स्वदेशी जो हमारी इंडियन कंपनी है उसका ही आपको खरीदना है कि जैसे कि हाल ही में मोदी जी ने बताया कि सभी वस्तु मेड इन इंडिया की खरीदो, चाइना की वस्तु बिल्कुल ना खरीदो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं ये चैनल चालू कर रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी को बहुत बहुत जानकारी मिलेगी, अपने पाव की चप्पल से लेकर अपने हेयर के ऑयल तक पूरी की जो कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो सब की लिस्ट है। लिस्ट आपको बार बार वीडियो में देने जा रहा हूँ। फिर चलो शुरू करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। जो सेलो सेलो जो स्टेशनरी में जो राइटिंग पेन बनाने वाली जो कंपनी, वो कंपनी 1995 में चालू हुई थी और उसका जो मेन ऑफिस है वो मुंबई में। उनके जो स्टेशनरी ब्रांड है उसमें पेन है, पेंसिल है। और वो हाल ही में 2015 में वो कंपनी एक फ्रेंच स्टेशनरी मेजर जो BIC है उन्होंने एक्वर्क 100% ओनरशिप के साथ उन्होंने उसको कर लिया है। तो फिर उनके क्या क्या प्रोडक्ट है, सो उनके प्रोडक्ट है परमानेंट मार्कर्स, व्हाइट बोर्ड मार्कर्स, फाउंटेन पेन, रोलर पेन और जो शाल स्टैटिक है कलर मार्कर्स जो ऑफिस में मार्कर यूज करते हैं वो मार्कर मैन्युफैक्चर करने लिए जो सेलो कंपनी है ये स्वदेशी कंपनी है और हमारे मुंबई में इसका ऑफिस है। तो अगर आपको स्टेशनरी में सेलो के पेन जो मिल जाए तो आप खरीद लेना क्योंकि वो स्वदेशी हो जाएंगे। दूसरी स्वदेशी कंपनी है मॉन्टेक्स, जिसके बहुत सारे ब्रांड है, इसका भी ऑफिस मुंबई में है और ये कंपनी शुरू हुई थी ना 1976 में। और उसके जो ब्रांड देखे हम, इसके स्टेशनरी है, पेन है, रिफिल और उनके जो प्रोडक्ट है बॉल पेन है, जेल पेन है, फाउंटेन पेन, मेटल पेन एंड रोलर पेन मैन्युफैक्चर करती। और इसका ऑफिस वगैरह, इसकी ब्रांड और ये जो वो सब आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे जो कंपनी है उसका नाम है लाइन ट्विन पेन कंपनी, जो उसका ऑफिस हिमाचल प्रदेश में है और ये कंपनी 2015 को शुरू हो गई थी। और ये भी बेसिकली पेन पेन से मैन्युफैक्चर करती है, ऑल द स्टेशनरी जो सामान वो मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों जब से आप स्कूल में जा रहे हैं आपको पेंसिल की जरूरत पड़ती है तो आप कौन सी पेंसिल प्रेफर करते हैं, नटराज की या अप्सरा की। तो ये कौन मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये नटराज कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी 1958 में चालू हुई थी और इनका ऑफिस मुंबई में। ये कंपनी पेन, राइटिंग मटेरियल्स और अदर स्टेशनरी मैन्युफैक्चर करती है। इनका प्रोडक्ट है पेंसिल और ये पेंसिल में मैंने पहले बोला कि अप्सरा पेंसिल और नटराज पेंसिल। और 2007 में से इन्होंने पेन बनाना भी चालू कर दिया, उसमें बॉल पेन और जेल पेन बनाते हैं। और इनकी जगह अगर हम टर्नओवर देखें तो डेली बेसिस पे 1 करोड़ नंबर ऑफ जो पेंसिल है वो 1 करोड़ में मैन्युफैक्चर करते पर डे। और अगले हम जो देखने जा रहे हैं वो एक क्लासमेट के जो स्टेशनरी वाली कंपनी है उसका, ये कंपनी 2003 में शुरू हुई थी, ये भी इंडियन कंपनी है और ये बेसिकली स्टेशनरी मैन्युफैक्चर करती है। और ये कंपनी कोलकाता में इसका मेन ऑफिस है। ये कंपनी के प्रोडक्ट है पेन, पेंसिल, जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, डायरीज, मैथमेटिकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, रेजर, शार्पनर और स्कूल के जो आर्ट पेपर लगते हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसकी लॉन्ग बुक, प्रैक्टिकल बुक और ये रिमाइंडर पैड्स वगैरह, कैलेंडर वगैरह मैन्युफैक्चर करती हैं। और इनके पेन के बहुत सारे ब्रांड है, फाउंटेन पेन, जेल पेन, रोलर पेन
बॉल पेन ऐसे उनके, और पेंसिल भी मैन्युफैक्चर करती है, वुडन पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल, एचबी बॉन्डेड लीड, एचबी एचबी जेल ब्लैक, कार्बन ब्लैक, टूबी और रबर सोसोन उनके मैन्युफैक्चरिंग। अगले हम कंपनी की बात करने जा रहे हो, वो विदेशी कंपनी दोस्तों, और उसका नाम है पायलट। ये कंपनी 1918 में शुरू हुई थी और ये कंपनी जापान की, जापान में इसका हेडक्वार्टर है। और ये कंपनी बेसिकली जो प्रोडक्ट है उनके पेन के ज़्यादा प्रोडक्ट है, वो बॉल पेन, रोलर पेन, जेल पेन, नीडल पॉइंट पेन, फाउंटेन पेन, मार्कर्स, हाइलाइटर्स, मैकेनिकल पेंसिल, रिफिल्स, डायरीज पेन, अदर वगैरह, वो इरेजर और करेक्शन फ्लूड्स, ये सब इनके प्रोडक्ट है। अगर ये विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट आपको मिल गए तो वो उसके जो मैं नाम बता रहे थे जा रहा हूँ आपसे यहाँ आगे, जो तीन प्रकार की कंपनी है, तो उनके उनमें से पहले पायलट कंपनी। तो पायलट के बिल्कुल उसकी चीज़ें ना खरीदें। सो अगले नंबर पे है यूनिबॉन, ये भी कंपनी जापान से है। ये कंपनी 1887 में टोक्यो सिटी में शुरू हुई थी, और उसके बाद में वो एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप में बहुत सारी जगह पे फैली। तो ये भी स्टेशनरी मैन्युफैक्चर करते हैं। उनके भी कुछ जो ब्रांड्स है पेन के, रोलर पेन, बॉल पेन, जेल पेन, एयर माइक्रो पेन, इसे इनके डिफरेंट ब्रांड है। तो मैं विदेशी कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं बताता हूँ, लेकिन उनके नाम ध्यान में रखना। अगर इस ब्रांड की कोई भी चीज़ आपको जो स्टेशनरी वाला दुकानदार दे तो आप उनकी तरफ से ना खरीदें। क्योंकि तो अगली कंपनी है पर्कर पेन कंपनी। ये कंपनी भी 1888 में शुरू हुई थी, और इसका जो मेन ऑफिस है वो यूएस में है। तो इनके जो पर्कर नाम के जो पर्कर जो नाम के पेन है, वो पेन वेरी कॉस्टली होते हैं, कॉस्टली पेन है, और गिफ्ट पेन से ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो इन जैसे अगर किसी कोई आपको गिफ्ट दे रहा है और गिफ्ट में वो महंगा पेन हो, तो उनको बोलना कि हमें गिफ्ट ना दे, हमें गिफ्ट दे तो स्वदेशी पेन का दे, स्वदेशी पेन कंपनी वाली दे, जो कि सेलो पेन, मॉन्टेक्स, लाइन ट्विन पेन और नटराज जैसे हो, ना कि वो पायलट, यूनिबॉल और पर्कर जैसी कंपनी की हो। तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको अभी अपने देश से लगत है, प्यार है, तो आपको ही अपना देश बचाना है, तो आप ये सब आपके हाथ में है। फिर चलो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे दो, सब्सक्राइब करो, और आगे मैं अलग अलग प्रोडक्ट लाने वाला हूँ। तो फिर आपको आगे कौन से प्रोडक्ट की, कौन सी कंपनी जो आपको प्रोडक्ट यूज़ करते उसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।